कॉटेज इंडस्ट्रीज का तनाजा शिद्दत अख्तियार कर गया। सिंध हाईकोर्ट ने कमिश्नर और केएमसी को मामला हल करवाने का हुक्म दे दिया। केएमसी के वकील हसन आबदी ने जमीन की हदबंदी और सर्वे से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। वकील का कहना था कि केएमसी ने औरंगी कॉटेज इंडस्ट्रीज के 348 एकड़ जमीन अलॉट की थी। अब कहा जा रहा है कि केएमसी के पास सिर्फ 46 एकड़ जमीन है। केएमसी को जमीन केडीए ने दी थी। डायरेक्टर लैंड केएमसी का अदालत में कहना था कि 1993 में केएमसी ने कॉटेज इंडस्ट्रीज को अलॉट की थी। इस वक्त किसी ने एतराज नहीं किया। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंह से कहा कि एडवोकेट जनरल साहब, ये मामला तो संगीन हो गया है, आप इन्हें रेस्क्यू करें, बल्कि इस शहर की इंडस्ट्रीज को रेस्क्यू करें। एजी साहब का कहना था कि महकमा इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स सूबे में नया इंडस्ट्री जोन बनाना चाहते हैं। 3000 एकड़ ज़मीन पर मुश्तमिल जोन के लिए समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई है। नए इंडस्ट्री जोन में साइट एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी। वज़ीर आला ने अभी तक समरी पर फैसला नहीं किया। अदालत का कहना था कि मुमकिन है वो अच्छी स्कीम हो, मगर मौजूदा कॉटेज इंडस्ट्री की ज़मीन का तनाज़ा तो हल करना होगा। अदालत ने औरंगी और लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज की ज़मीन का मसला हल करने की हिदायत करते हुए कहा कि कमिश्नर कराची, केएमसी और सिंध हुकूमत से 15 जनवरी को पेश रफ्त रिपोर्ट तलब की जाएगी। दिस इज़ राबिया शहजाद फ्रॉम रेडबॉक्स टीवी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड टू रेडबॉक्स टीवी।